मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट मुल्तान, पाकिस्तान से आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है कि फैमिली कोर्ट की किस डिग्री के खिलाफ अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर हो सकती है और किस डिग्री के खिलाफ अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर नहीं हो सकती, हाई कोर्ट में रिट दायर हो सकती है, और फैमिली कोर्ट के किस हुक्म के खिलाफ अपील दायर होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और किस हुक्म के खिलाफ रिट हाई कोर्ट में दायर होगी। ये एक अहम टॉपिक है क्योंकि इसमें अबहाम पाया जाता है इन कानून में, जिसकी वजह से वकला को भी और आम लोगों को भी मसाइल पेश आते हैं। और मज़ीद इस टॉपिक बात करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी अपने कानूनी राइट्स के बारे में आगाही हो सके। अब मैं टॉपिक की तरफ आऊँगा। पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 की दफ़ा 14 है जिसमें अपील का के बारे में बताया गया है, फैमिली कोर्ट की अपील कहाँ दायर होगी। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कानून जो है। ये जो कानून मौजूदा की जो सूरत इसकी है वो पंजाब में अलग कानून है, जबकि दीगर सूबे जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है और सिंध है, वहाँ कानूनी इसकी सूरत कुछ और है। सो पहले मैं जो तीन सूबे हैं जो वहाँ कानून है, कॉमन लॉ जो ला है, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में और बलूचिस्तान में, वो कानून बयान करूंगा। उसके बाद में जो पंजाब में कानून है, जो तरमीम है, वो बयान करूंगा। सबसे पहले इस कानून में ये करार दिया गया है कि तनसीख निकाह की डिग्री के खिलाफ अपील दायर नहीं होगी सिवाए एक सूरत में, जब तनसीख निकाह का दावा जो है दफ़ा 2 सबसेक्शन 8A के तहत दायर किया गया होगा और उसका फैसला इस सेक्शन के तहत हुआ होगा। ये कानून है कि अगर खातून ये क्लेम करे शोर मारपीट करता है, तशद्दुद करता है, गालम गलोच करता है, तो उस बारे में ये कानून है। इस सूरत में खातून जो है, इस सूरत में दोनों पार्टीज जो हैं वो अपील दायर कर सकती हैं फैसले की सूरत में। दूसरी इसमें एक और अहम बात यह है कि खुला की डिग्री की सूरत में तो अपील दायर नहीं हो सकती, लेकिन अगर उस खुला की डिग्री सादर करते वक्त हकुल महर की बाबत फाइंडिंग कोई कोर्ट देती है तो उस फाइंडिंग की हद तक उसको चैलेंज किया जा सकता है डिग्री को, मतलब खुला चैलेंज नहीं होगी, लेकिन जो फाइंडिंग हकुल महर की वापसी की बाबत होगी या इस बारे में जो भी फाइंडिंग कोर्ट की होगी उसको चैलेंज किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील के जरिए। इसके अलावा जो हकुल महर है वो भी, जो तीन सूबे बयान किए हैं उनमें जो समान जहेज और हकुल महर 30,000 रुपये तक अपील नहीं होगी, यानी अगर 30,000 तक कोर्ट ने आर्डर किया हक महर का या समान जहेज का तो उसकी अपील दायर नहीं हो सकती। हाँ, उससे ज़्यादा का अगर होगा तो फिर उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर होगी। अगर लेकिन अगर जहाँ अपील दायर नहीं हो सकती वहाँ हाईकोर्ट रिट हो सकती है, तो ये चीज़ क्लियर रहे। इस तरह खर्चा नफका जो तीन सूबों में जो कानून है वो ये है कि 1,000 रुपये तक खर्चे के खिलाफ अपील दायर नहीं होगी, और अगर 1,000 से ज्यादा खर्चा तो तब अपील दायर हो सकती है। मजीद इस कानून में यह करार दिया गया है कि दरमियानी हुक्म के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि इस कानून में दरमियानी हुक्म कौन सा होगा उसकी कोई वजाहत नहीं की गई। अब पंजाब में जो तरमीम हुई 18 मार्च 2015 को, उसमें जो 30,000 थे हकुल महर के और समान जहेज के, उसको बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया गया। यानी पंजाब के कानून के तहत अब हकुल महर और समान जहेज के जो 30,000 हैं वो 1,00,000 शुमार होंगे, और 1,00,000 तक अगर डिग्री होता है दावा खातून का तो उसके खिलाफ अपील दायर नहीं हो सकती। इसके बाद इसके अलावा जो खर्चा नौ नफका है 1,000 का कानून है बाकी तीन सूबों में मैक्सिमम, और जिसके खिलाफ अपील नहीं है, पंजाब में उसको बढ़ा के 5,000 कर दिया गया कि 5,000 रुपये तक की अपील दायर नहीं हो सकती।
लेकिन इस कानून में यह अभाम मौजूद है क्योंकि बादी नजर में अगर इंटेंशन मुलादा अगर की जाए कानून बनाने वालों की वो ये था कि अगर मामूली डिग्री होती है हक मेहर की, जहेज की या खर्चे की, तो मुकदमे को प्रोलोंग ना किया जाए और मुकदमेबाजी फजूल किस्म की ना हो। सो उस तनाजर में देखा जाए तो ये जो अपील है, ये पाबंदी जो है सिर्फ मर्द के लिए नज़र आती है, खातून के लिए नज़र नहीं आती। क्यों? कि अगर खातून का 1 लाख से अदालत कम डिग्री कर देती है या खर्चा 5,000 से कम कर देती है तो एक तो उसका कम डिग्री हुआ उल्टा, तो उसका अपील का भी हक ख़त्म कर दे तो ये बज़ाहर नाइंसाफ़ी होगी। इसीलिए इस पर कुछ हाई कोर्ट के फैसले भी आए हैं और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है 2018 SCMR 1885 पेज है, जिसमें उन्होंने करार दिया कि ये जो पाबंदी है ये पाबंदी सिर्फ मर्द के लिए होगी, 1 लाख तक के समान जहेज वो हक बैर की और 5,000 रुपये खर्चे की जो पाबंदी है, मर्द अपील नहीं कर सकता अगर इस हद तक डिग्री होता है। हाँ, खातून कर सकती है अगर इससे भी कम होता है, अगर 5,000 से कम खर्चा डिग्री होता है, अगर 1 लाख से कम जहेज या हकमर डिग्री होता है तो खातून अपील दायर कर सकेगी। अब मैं आता हूं दूसरे एक चीज से पहले बता दूं मैं कि जब जहां अपील दायर नहीं हो सकती वहां रिट हो सकती है हाई कोर्ट में। अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होनी है और रिट हाई कोर्ट में होनी है, तो जहां भी अपील, मैंने जो जो बताया कि अपील दायर नहीं होगी, वहां रिट दायर दूसरी पार्टी कर सकती है, यानी मर्द अगर करना, मर्द रिट जो हाई कोर्ट में दायर कर सकता है। अब मैं आता हूं एक और जो अहम टॉपिक है कि दरमियानी हुक्म के खिलाफ अपील दायर नहीं होगी, जो इसमें फाइंडिंग दी, इसमें करार दिया गया इस कानून में। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। जाब्ता दीवानी 1908 में बना था, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक आर्डर 43 के जरिए ये वजाहत कर दी थी कि कौन कौन से आर्डर काबिल अपील होंगे। वो बड़ा आसान होता है वकला के लिए कि जब हमने कोई अपील दायर करनी होती है तो हम आर्डर 43 निकालते हैं, उसमें देखते हैं, उसमें तमाम आर्डर की डिटेल मौजूद है, जो आर्डर उनमें होते हैं उनकी अपील होती है, जो नहीं होते उनकी अपील नहीं होती। तो कोर्ट के लिए भी आसानी, वकला के लिए भी आसानी। लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तान ने कानून बनाया है, 1964 में कानून बना है, इसमें इसलिए भाम ये भाम है। सबसे पहले तो दफ़ा 14 में फाइनल आर्डर की जो डिसीजन गिवन लफ्ज आया है कि उसके खिलाफ अपील होगी, अब दरमियानी हुक्म कौन सा होगा, डिसीजन गिवन कौन सा होगा, उसकी कोई वजाहत ही मौजूद नहीं है। पर दूसरी बात, अहम बात यह है कि ये एक मुकम्मल प्रोसीजर नहीं है। इसमें लिख दिया गया सेक्शन 17 में कि सिर्फ दफ़ा 10 और 11 जाब्ता दीवानी की एप्लीकेबल होगी, जो कि रेज यूडिकाटा से मुतल्लिक है। लेकिन इसमें कई अभाम पाए जाते हैं, जो मिसाल के तौर पर इसमें दावे के खराज के बारे में कोई कानून नहीं है, किसी को फरीक बनाने के बारे में कानून में वजाहत नहीं है, शहादगाह ख़त्म करने के बारे में नहीं। सो बेहतर ये होता कि जहां दफ़ा 10 और 11 लिखा गया था वहां जो अहम दफात हैं जाब्ता दीवानी की, या उनको इसमें शामिल कर दिया जाता, जैसे आर्डर 7 रूल 11 है, जैसे आर्डर 1 रूल 10 है, इसी तरह आर्डर 21 को मुकम्मल इसमें शामिल कर किया जा सकता था, जो कि इजरा से मुतल्लिक है, आर्डर जो 17(3) है सेक्शन, तो ये सारे जो हैं इसमें शामिल किए जा सकते थे। फिर उन दफात के बारे में लिख दिया जाता है कि ये फाइनल आर्डर शुमार होंगे और बाकी आर्डर फाइनल शुमार नहीं होंगे। ये बड़ा आसान काम है अब भी, क्योंकि अब भी तक अदालतों के मुख्तलिफ फैसला यंत्र मौजूद हैं, यानी ये समझ नहीं आती कि कौन सा आर्डर फाइनल होगा और कौन सा फाइनल आर्डर नहीं होगा। हम जब अक्सर वकला जब अपील दायर करते हैं उनको कहा जाता है कि ये तो दरमियानी हुक्म है, इसके अलावा अपील मेंटेनेबल नहीं है। जब वो हाई कोर्ट में रिट दायर करते हैं तो हाई कोर्ट में कहा जाता है कि ये तो फाइनल आर्डर था, आप अपील करते, तो ये मसाइल उनको पेश आते हैं। ताहम अब जो लेटेस्ट जो जजमेंट्स कुछ हाई कोर्ट की आई हैं उसमें उन्होंने इसको वाजे करने की कोशिश की है। इससे पहले भी जजमेंट थी, अब मजीद नई कुछ जजमेंट्स आई हैं, उसमें PLD 2019 लाहौर 226 है, इस तरह PLD 2018 लाहौर 735 पेज है, इस तरह PLD 2018 लाहौर 830 पेज है, जिसमें डिफाइन किया गया कि दरमियानी हुक्म कौन सा होगा और डिसीजन गिवन कौन सा होगा। उसमें उन्होंने करार दिया है कि जिस आर्डर में कोर्ट ने किसी इशू को मुस्तकिल तौर पर तय कर दिया हो वो फाइनल आर्डर शुमार होगा, यानी जैसे किसी का शहादगाह ख़त्म कर दिया गया हो, किसी का जवाब दवा का ख़त्म कर दिया गया हो, किसी के खिलाफ कार्रवाई एक तरफा हो गई हो, या किसी को डिलीट कर दिया गया हो केस से, तो ये फाइनल आर्डर शुमार होगा। यानी ऐसा आर्डर जिसके बारे में कोर्ट ने दोबारा फैसला ना करना हो वो फाइनल आर्डर होगा। जिस आर्डर जिस इशू के बारे में कोर्ट ने अभी फैसला करना है, जैसे दरमियानी हुक्म खर्चा ना नफके का होता है अबूरी आर्डर, उसके बाद में कोर्ट ने फाइनल डिसाइड करना होता है, तो वो
جو ہے نا وہ انٹرلوکیٹری آرڈر شمار ہوگا، اس کے خلاف اپیل نہیں ہوگی۔ امید ہے میری دیگر ویڈیوز کی طرح آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور آپ میں نے کوشش کی کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ کس ڈگری کے خلاف اپیل ہوگی اور کس کے خلاف ریٹ دائر ہوگی اور درمیانی حکم کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔